अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं यूएसए में एक न्यू इमिग्रेंट हूँ और अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए आसानी हो सके। आज की वीडियो तो बिल्कुल ऑफ टॉपिक होगी, ना ही इमिग्रेशन के बारे में है, पर करंट सिचुएशन में दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये हिस्टोरिकल एक रिमार्केबल इवेंट चल रहा है इस वक्त स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में। अगर आपने कभी न्यूज़ देखी हो या कभी आपको वैसे जनरल नॉलेज हो तो कैलिफोर्निया में हमेशा पानी की बहुत कमी रही है, बहुत ड्राइनेस रहती है यहाँ पर। इवन के जो पिछले 10 साल से उसमें इतने रिकॉर्ड लेवल पर कमी थी इनके पानी के रिजर्व्स में कि एक स्टेट ऑफ एमरजेंसी चल रही थी। लेकिन 2 हफ्ते पहले ईस्ट कोस्ट जो हमारी न्यूयॉर्क साइड है उसके ऊपर कोल्ड ब्लिजर्ड आया हुआ था, वहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल अंत पड़ी हुई थी। सिएटल और इस तरह के जो शहर थे उसके अंदर माइनस के अंदर टेम्परेचर गया था, वहाँ स्नोफॉल हुई हुई थी। और लास्ट वीक से यहाँ पर क्या हुआ कैलिफोर्निया में कि क्योंकि जो बे एरिया है ना ये एक वैली के अंदर है, सिलिकॉन वैली भी इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों साइड पर आप हिल्स हैं, बीच में सिटीज़ आती हैं। तो सैन फ्रांसिस्को वाली जो साइड है वहाँ पर हिट किया है जौन सा इनका थंडरस्टॉर्म एक हिट किया है, और वो क्योंकि हवा जो है वो चल रही है इस वक्त साउथ की साइड पर, तो वो आस्ता आस्ता उसके जो असरात हैं तो वो हम तक आ रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी अभी आपको क्लिप्स नज़र आएंगे जिसमें सेंटा क्रूज़ जो मेरे सेंटा क्लारा, सैन होजे और उसके नीचे करके सेंटा क्रूज़ है, वहाँ के बीचेस बहुत फेमस हैं। सेंटा क्रूज़ के भी थोड़े आपके क्लिप्स में दिखाता हूँ जिसमें इंतहा का वहाँ पर डैमेज हुआ है क्योंकि वो सारा सी वाटर जो था वो उसका राइज़ हुआ है और वो सिटी के अंदर पानी आया हुआ था। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को में इतनी ज़्यादा डैमेज हो रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी जो रेनफॉल थी 1881 का रिकॉर्ड टूटा है कि गोल्ड रश के ज़माने में जो थी बारिशें हुई थी ना उसका रिकॉर्ड इस साल टूटा है। आपकी 101 हाईवे जिस पर आपने ज़्यादा देखा क्योंकि अभी मैं गाड़ी में बैठा तो मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी होता है, जैसे मैं वो सैन फ्रांसिस्को में अपने दोस्त की शादी अटेंड करने थे, वो जो हाईवे उसको 101 कहते हैं, उसके कुछ पोर्शन इतनी बारिश हुई कि वो सबमर्ज हो गए, वो उस पानी में डूबे हुए थे। जो अपना सैन फ्रांसिस्को के साथ ओकलैंड हो गया, उसका सैन फ्रांसिस्को का मिशन एरिया वो सबमर्ज हो गया, इतना पानी था कि गाड़ियों की जो छत है वहाँ तक पानी आ चुका था। तो इसमें एक वाक़या आपको मैं शेयर करता हूँ कि लास्ट वीक में ना क्रिसमस हॉलीडे एंड हुई तो उसके बाद मौसम थोड़ा ख़राब था, तो उन्होंने कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें लेकिन आप थर्सडे को आ जाएं क्योंकि हमने 1-2 केस फाइल करने हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। वही मॉर्निंग रूटीन में उठा हूँ, फुल काले बादल थे, इस तरह था कि जैसे मगरिब का टाइम होता है, सुबह के वक्त अंधेरा फुल छाया होता। तो मैंने कहा ठीक है, इस कॉमन कि लाहौर में भी जब मानसून सीज़न आता है तो बारिशों का वो एक स्पेल आ रहा होता है, तो मैंने ठीक है अभी हमें तो आदत है। अब मैं अपनी ड्राइव करके जो है अपनी दूसरी वर्क वाली लोकेशन पहुँचा हूँ, सिटी ऑफ पालो आल्टो में। तो मैं पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आमतौर पर जिस तरह आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट की जो वीडियो है जिसमें आपको लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, काफ़ी रौनक वाली सिटी है। तो मैं जब पहुँचा हूँ तो हार्डली कोई बंदा भी नज़र आ रहा है, कहीं गाड़ी नहीं नज़र आ रही। तो जहाँ भी देखता हूँ यहाँ पर वहाँ या पुलिस वाले हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई उनके वो लाइट्स ऑन है, फायर ब्रिगेड्स वाले बाहर फिर रहे हैं, या जो उनके सिटी का जो है ना स्टाफ है वो जगह जगह ड्रेनेज को साफ़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है एक कॉमन है कि बारिशों का एक स्पेल आ रहा है तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो गाड़ी मैंने पार की, पैदल चल के मैं अपने ऑफिस तक आता हूँ। तो ऑफिस में एंटर होता हूँ तो हमारे एक आपको एक्सप्लेन करूँ, यूएसए में जो लॉ फर्म्स होती हैं वो इटसेल्फ इज़ लाइक एक मिल की तरह होती हैं कि उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट पहले आते हैं हमसे क्योंकि वो उसकी रनिंग स्टार्ट करते हैं एक डे के बारे में, रादर देन कि कुछ लोग काम कर रहे हैं एक लॉ फर्म में। तो मैं आया, वो लोग भी मिसिंग थे। मैं कहा बड़ा स्ट्रेंज है, मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो मुझे सारे वाक़े के बाद मुझे ये याद आ रहा था कि आप मूवीज़ देखते हैं, हॉरर मूवीज़ देखते हैं, ये होता है, इसमें एक बंदा होता है जो सारे साइंस को इग्नोर कर रहा था, कहता है नहीं यार इट्स ऑल कम्प्लीटली फाइन, कोई मसले की बात नहीं है। और मेरी उम्मीद करता हूँ कि हवा की वजह से आपकी आवाज़ ना कट रही, मैं कहीं बैठ जाते हैं हम लोग, यहाँ चलते हैं। तो मैंने अपना कार्ड लगाया, मैं अंदर गया हूँ तो घुप अंधेरा, 1-2 लाइट्स जो होती हैं सेफ्टी लाइट्स होती हैं वो चल रही थी, तो मोशन सेंसिंग लाइट होती है जिसमें मैं चल रहा हूँ, लाइट्स ऑन हो रही हैं। तो मैं कहा शायद मे भी लोग लेट हो गए हैं या कोई और चक्कर है। आया हूँ तो इतनी देर में ये कॉल आ गई कि सीन बैड है सिटी ऑफ पालो आल्टो में और आप ना कैंसिल करें, आप चले जाएँ। मैं कहा वाह इतना जल्दी मुझे इन्फॉर्म किया है, बड़ी मेहरबानी इनकी। इतनी देर में मैं जो ऑफिस से अब बाहर निकल रहा हूँ तो उनके लाउड स्पीकर में जो पर्ज मूवी आपने जैसे देखी उसमें सायरन्स बज रहे हैं सिटी ऑफ पालो आल्टो में और अनाउंसमेंट हो रही है। तो मैंने कहा ओके ये तो प्रॉपर सीन ऑन है, आज कुछ कुछ हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो स्टॉर्म का जो एक वेव थी जो हिट करनी थी सिटी ऑफ पालो आल्टो को, वो शाम में करनी थी। तो मैं सुबह के वक्त में था तो मैं ईज़िली वापस भी आ गया। तो कहने का मकसद ये था कि एक बड़ा यूनिक सेट ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में। तो अभी आप जो देख रहे हैं इस वक्त फुल अंधेरा था, इतनी भी लाइट नहीं थी। जब मैंने देखा थोड़े से बादल, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है तो ये स्टॉर्म जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसलिए ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि या तो ये वापस पैसिफिक ओशन की तरफ चले जाएगा या अगर दोबारा इसने मेन लैंड को हिट किया, आपको पिछली एक वीडियो आई होगी जिसमें मैंने स्नोफॉल दिखाई थी, उसी तरह कुछ क्लिप्स में कोशिश करूँगा ढूंढने की। अगर मिल गया तो सैक्रामेंटो एक काफ़ी अंदर करके इनलैंड है कि सैन फ्रांसिस्को या सेंटा क्लारा से जाने में, उधर जाने में आपको एटलीस्ट 2.5-3 घंटे लगते हैं। सैक्रामेंटो इतना इनलैंड आपके है। वहाँ पर फुल फ्लडिंग हुई हुई है, फुल स्लाब टाइप पानी आया हुआ है। आपका डेवस हो गया, सैक्रामेंटो के बड़ी बुरी हालात हुए हुए हैं। तो बात यही थी कि अभी हवा चली है, बादल थोड़े साइड में, थोड़ी लाइट आई तो मैंने कैमरा उठाया, मैंने कहा बाहर निकलो भाई, आज की वीडियो बननी चाहिए क्योंकि इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। जिस ऑफिस वाला इवेंट था, अगर मेरे पास कैमरा होता तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता था कि इवन दो के कोई इवेंट हो रहा है तो ये किस तरह एज अ कलेक्टिवली एक जो स्टेट है या एक अपनी इनकी जो गवर्नमेंट के मैकेनिज़म्स हैं वो किस तरह कलेक्टिवली उसको प्रोवाइड करते हैं कि मेकिंग श्योर कि यार ये जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या हमारे लोग हैं जो टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि हम फेडरल टैक्स भी देते हैं, हम स्टेट टैक्स भी देते हैं। तो वो मुझे अच्छी बात लगी कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पंजाब में रहता हूँ, लाहौर का मैं एक रेजिडेंट हूँ या फैसलाबाद का, तो वो पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है मेरे लिए। तो ये यूनिक बात थी मेरे लिए कि इन चीज़ों को मैकेनिज़्म में देखना। लेकिन इस लोगों का कभी भी है जो नाराज़ हैं, ख़ास तौर पर सैन फ्रांसिस्को की साइड, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में जहाँ पर उन लोगों ने लगाए फ्लड बैरियर्स, वहाँ से पानी इतना नहीं गुजरा, जहाँ पर नहीं लगाए तो वहाँ से गुजर गया। तो वहाँ पर लोग नाराज़ भी काफ़ी हैं कि जिस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए था वो हुआ नहीं, और इनके अपकमिंग कोई इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो वो एक बड़ा इवान पोलिटिकल एक सिनेरियो सीन बना हुआ है। तो होपफुली आराम से ये जो सिचुएशन है ये पास बाय कर जाएगी और मैं आप लोगों को अपडेट रखूँगा। अभी मैं थोड़ी देर रुका हुआ था मौसम को देखने के लिए कि क्या सीन है, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट तो पास ही है। तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो देखें हमारी वैली की जो हिल्स हैं, ये नीचे सारा एरिया आता है, उसी तरह दूसरी तरफ भी हमारी वैली की हिल्स हैं और उस साइड पर जाके आपका सेंटा क्रूज़ जो ऐसा है, जो उनका बीच है सेंटा क्रूज़ का, वो है काफ़ी फेमस है सेंटा क्रूज़। अगर आप इसको सर्च करें, इंशाल्लाह कभी मैं आने वाली वीडियो में जाऊंगा तो वो दिखा भी दूंगा। मूवीज़ में, सीजन्स में काफ़ी उसका रेफरेंस दिया जाता है। और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटा क्रूज़ भी बड़ी फेमस इनकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक ब्रांच है। आप हवा का प्रेशर देखें, कितनी तेज़ हवा चल रही है। और वही जो अभी जो बादल थे जो उस तरफ गए हैं उसको तो वापस अब लेके आना शुरू हो गया। तो आई थिंक ये दोबारा ज्वाइनिंग होगी इसकी, क्योंकि मैं भी वेदर फोरकास्ट देख रहा था, उसमें आ रहा था कि दोबारा जो है ना 4 बजे बारिश स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी और रात 4 बजे तक लाइक 12 घंटे की प्रेडिक्शन है कि 12 घंटे बारिश होती रहनी है। तो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन ये सीन है। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, ज़िंदगी तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।